So today we have the all new Honda CB300R. So हम लोग इस गाड़ी का आज टोटल फुल रिव्यू लेंगे और जो जो फीचर्स है वो हम लोग बताएंगे इस गाड़ी का. So स्टार्ट करते हैं पहले इसके ओवरऑल डिजाइन से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 300 सीसी के अंदर आने वाली स्पोर्ट्स बाइक है होंडा की तरफ से. इसका पावर एंड टॉर्क है वो बाकी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो उससे ज़्यादा इन्हांस मिलता है और जो इसका कैरेक्टर काफ़ी स्पोर्टी है, अग्रेशन काफ़ी है इसका. सीटिंग एडजस्टमेंट जो इसका है सीटिंग पोजर काफ़ी अग्रेसिव है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसके फ्रंट लुक से. सो फ्रंट लुक आप देखेंगे तो काफ़ी रेट्रो डिज़ाइन मिलता है इसमें, रेट्रो प्लस स्पोर्टी मिलता है सर. इसमें आपको सर्कुलर हेडलाइट मिलते हैं जो कि पूरा LED सेटअप में, और जो इंडिकेटर्स मिलते हैं आपको वो भी LED मिलते हैं. और ये स्लीक LED सेटअप है और काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन है और इसलिए आपको हैजर्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है. सो इसमें आपको कंपनी फिटेड हैजर्ड लाइट का ऑप्शन मिलता है और इसमें आपको लो बीम हाई बीम मिलता है. यहाँ पे ये हाई बीम में LED है, ऊपर आपको DRS मिल जाता है छोटे से, एंड 43mm के USD फॉक्स मिलते हैं जो कि गोल्डन कलर में है. और यहाँ पे आपको ABS का बैजिंग मिलता है फ्रंट में, एंड निफिन का बैजिंग मिलता है इसके ब्रेक कैलिपर्स में, और डुअल चैनल ABS आता है इसमें. और यहीं पे देखते हैं हम लोग इसका रेडिएटर जो इसके इंजन को कूल करता है, और इसका साइज़ काफ़ी अच्छा दिया गया है जिससे इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा होगा. एंड यहाँ पे होंडा का बैजिंग किया हुआ है. और वहीं फ्यूल टैंक का बात करें तो आपको मिलता है 9.7 liters का फ्यूल टैंक मिलता है. और मीटर का बात करें तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर मिलता है, फिर ट्रिप भी दिखा रहा है. एंड यहाँ पे आपको इसका टाइमर दिखा रहा है, टोटल दिखा रही है, ट्रिप ए दिखा रहा है. एंड द सेकेंड बटन क्लिक करेंगे तो आपको इसमें एवरेज रेंज एंड बाकी फीचर्स मिल जाते हैं. और यहाँ बात करें आपको फ्यूल गेज मिलता है, टाइम मिलता है, RPM मिलता है, स्पीडोमीटर, आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलते हैं, आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, एंड सर्च स्टैंड का वार्निंग मिलता है यहाँ पे. इस तो आपको सर्च सिम इंजन कट ऑफ भी मिल जाता है, एंड डुअल चैनल ABS है ये सब लोग जानते हैं. एंड फिटिंग फिनिशिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फिनिशिंग दी गई, ये मेटल की है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है. और यहाँ पर कोल्लो भी हाई मिलता है, इसी में आपको पास काउंटर मिलता है, यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे इंडिकेटर्स, यहाँ पे किल स्विच, नीचे हैजर्ड लाइट का बटन मिलता है. फिटिंग फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, अब इसमें नो पैनल गैप्स है, पैनल गैप्स काफ़ी अच्छी तरह से मेनटेन है. एंड यहाँ पे होंडा का बैजिंग किया हुआ है इस साइड पर, और नीचे आपको CB300R का बैजिंग किया हुआ है, पैनल ब्लैक कलर में दिया गया है. सेटिंग काफ़ी अच्छी लगती है इस पर, एंड द 6-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, एंड द 286cc का इंजन मिलता है जिसका इंजन का पावर मिलता है आपको 31 PS का पावर मिलता है, जो 27 Nm का टॉर्क लिया जाता है इसमें. सो इसका इंजन काफ़ी रॉ इंजन है, इसका जो कैरेक्टर काफ़ी एग्रेसिव है. एंड देख सकते हैं यहाँ पे सीट का बात करें तो इसमें जो साइज़ मिलता है राइडर के लिए काफ़ी अच्छा का साइज़ मिलता है, एंड जो पिलियन के लिए सीट काफ़ी छोटा है बट इट्स मैनेजेबल. यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है नीचे के साइड में, इसी में इंटीग्रेटेड है. एंड द साइड में आपको सारी गार्ड मिल जाता है. यहाँ पर एक टायर का बात करें, इसमें आपको 110x70R 17 inches का मिलता है विथ ग्रेफाइट कलर्स के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं इसमें, जो कि मैट ब्लैक कलर है. एंड यहाँ पर सस्पेंशन गार्डिंग मिलता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, और ये भी आपको मैट कलर मिलता है, मैट कलर थ्रश. एंड रियर आपको मिलता है मोनोसॉक सस्पेंशन विथ 7-way एडजस्टेबल प्री लोडेड के साथ, रेड कलर का मिलता है यहाँ पर. और वहीं बात करें टेल लाइट का, सो टेल लाइट आपको थोड़ा बहुत CVR650R से मिलता है और टेल लाइट LED मिलता है, नीचे इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है इस LED में. एंड द साइलेंसर बॉक्स देख लीजिए काफ़ी स्मॉल है, तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका. और वहीं इसका पीछे का डिस्प्ले देखिए निफिन का है ये भी. एंड द टैग सेक्शन का बात की इसमें आपको मिलता है 150x60R70 जिसका मिलता है, सो 150 सेक्शन टायर है, काफ़ी वाइड टायर है इसमें. और जो सर्कल स्लीवर है आपको फुल्ली एडजस्टेबल मिलता है यहाँ पर, लेकिन इसका जो ब्रेक लीवर है वो आपको एडजस्टमेंट करने नहीं मिलता, सो ये एक नेगेटिव पॉइंट था. और ग्राउंड क्लियरेंस का बात करें तो 153 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो ठीक है इंडिया रोड के हिसाब से.
और वहीं माइलेज का बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 30 km का माइलेज क्लेम करती है, जो अगर देखा जाए तो बहुत कम है। अगर ब्रांड इतना कम कर रहा है तो मतलब रियल लाइफ में भी तो उससे कम होगा। सो ये काफ़ी एग्रेसिव बाइक है जिन्हें स्पोर्टी बाइक चाहिए एक कम प्राइस रेंज में, उनके लिए बाइक काफ़ी अच्छी हो सकती है। क्योंकि इसका जो कैरेक्टर काफ़ी अग्रेसिव रखा गया है, सीटिंग पोजिशन जो है वो भी आप काफ़ी एग्रेसिव कर मिल जाए। सो एक तरह से आप बोल सकते हैं इसमें मतलब कम प्राइस में आपको सुपर बाइक बोल सकते हो, नॉट लाइक सुपर बाइक, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक आप बोल सकते हैं इसे। सो देख लीजिए आप लोग, और जितनी भी डिटेल्स है शोरूम के आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाओ चेकआउट करके इसका टेस्ट ड्राइव दे सकते हैं।